जय जय शंभुत्रपुरारी, जय कैलाशपति महादेव। तीन देव रक्षा करें तो ब्रह्मा विष्णु महेश। तो विष को पी गए शंभु जी, रावण को लंक गहाई। रामपाल की आए करो कैश में प्रभु सहाय। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, आज हम ये पावन पवित्र आख्यान शिव पुराण के माध्यम से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने को जा रहे हैं। तो आ जाइए, दो शब्द प्रभु के चरणों में अर्पित करें। आरी भोला आई जइयो, अब प्रभु बैल ना दिया। बारे भोला आई जइयो, अब प्रभु बैल ना दिया। बारे भोला जटा विराज शीश पे प्यारे, काले नाग गले में साजे। काले नाग दर्श दिखाई जइयो, मेरे प्रभु कैल ना दिया। सारे भोला आई जइयो, शैया गोदी में सो है गणपति छैया। डमरू बजाई जइयो, डमरू बजाई जइयो, मेरे बैल ना दिया। बारे भोला आई जइयो, मेरे बैल ना दिया। बारे भोला बिगड़ो साज बनाई जइयो, भोला बैल ना दिया। बारे अब प्रभु आई जइयो, भोला बैल ना दिया। बारे प्रभु जी आई जइयो, भोला बैल ना दिया। बारे प्रभु जी हाँ। तो मेरे श्रोता बंधुओं, आज हम ये पावन गाथा तुम्हारे समक्ष सुनाने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसा ही नहीं, एक बार की बात तो है, रयो राजा दक्ष ये यज्ञ रचाए। कोई निमंत्रण राजा को शंकर को नहीं पठाए। एक बार राजा दक्ष कनकल क्षेत्र में यज्ञ को रचा रहे थे, तो राजा दक्ष ने भोले बाबा के पास को कोई भी निमंत्रण नहीं भेजा। जब निमंत्रण नहीं भेजा तो ऐसा ही नहीं, एक बार मानधन पर्वत पे रई सती जी संग सहाई।
लक्ष्मी तो बात कही समझाए। गंधमार्दन पर्वत पर लक्ष्मी जी विजया सखी के साथ खेल रही थी, तो लक्ष्मी जी ने क्या देखा कि चंद्रमा अपनी रोहिणी के साथ स्वर्ग की रास्ता से जा रहा है और भगवान सूर्य भी जा रहे हैं इंद्र देवता इंद्राणी के साथ, ब्रह्मा जी ब्रह्माणी के साथ, सभी देवता स्वर्ग की रास्ता से फूलों की वर्षा करते हुए उड़ते हुए विमानों से जा रहे थे। जैसे लक्ष्मी जी की नजर पड़ी, लक्ष्मी जी की नजर पड़ते ही लक्ष्मी जी बोली, बहना अरे सुन गुइया मेरी बात, चंद्रमा कहाँ को जात पूछे हम जाई, और ठाट बाट से कहाँ को रयो है बीरन जाई। चंद्र कहूं जात सुनो समझाई, सुनो समझाई, और ठाट बाट कू गुइया रे रयो कहा कू जाई। और सुनी सती की बात विकल भो बात, चंद्रमा आई चंद्रमा आई, जो साफ बताए रे रहे कहा तुम जाई, ओती जो साफ बताए रे तुम रहे कहा को जाई। सती जी ने चंद्रमा से पूछी, भैया तुम हमें बतलाइए अपनी रोहिणी के साथ कहां के लिए जा रहे हो? तो चंद्रमा बोला, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पिता राजा दक्ष ने बहुत सुंदर यज्ञ की रचना की है, तुम्हें नहीं पता। हम रे कनखल को जाई है रे, राजा यज्ञ रचाई है भैया, चंद्रमा बोला समझा के, तुम्हें नहीं पता सती जी, तुम्हारे पिता राजा दक्ष ने यज्ञ की रचना की है। हम रेपन कलकों जाई है रे, दक्ष भाई यज्ञ की रचाई है, और ब्रह्मा पहुंचे जाई है, और लक्ष्मी विष्णु आई है भाई। राजा दक्ष के यहां यज्ञ की बात सुनी, विचार किया लक्ष्मी जी ने, अगर हमारे पिता की यहां उत्सव है तो हम भी अपने पिता के उत्सव में जाएंगे। उसी समय लक्ष्मी जी ने जरा भी देर नहीं की, कैलाश पर्वत पर पहुंची, नाए पल की करी अबारी लक्ष्मी कैलाश शिखर गई आई। अपने पिया शंकर से, अपने प्रीतम शंकर से सब विद रही समझाई। महाराज का पीहर देव हमें भिजवाए, और संग चले से मेरे पिया जी पत्र लियो समझाए। भैया हाथ जोड़ के कही पीहर को हमको भिजवाइयो, वीरन हाथ जोड़ के कही कशैया पीहर भिजवाइयो। और पीहर भिजवाइयो सजन मोए, पीहर भिजवाइयो सजन मोए, पीहर भिजवाइयो, वीरन हाथ जोड़ के कही सजन मोए पीहर भिजवाइयो। बेटे पार्वती जी ने कहा, भोले बाबा देखो एक बात बताएं तुम्हें, तुम्हें नहीं पता,
हमारे पिता ने कनखल क्षेत्र में यज्ञ रचाया है, सभी देवता उस यज्ञ में भाग ले रहे हैं और आप भी चलो ना और हमें भी ले चलो। समझा के बोली पार्वती कि मैं के को जाऊंगी, मैं पीहर को जाऊंगी, बबुला से मिल के आऊंगी, भैया बाबुल से मिल के आऊंगी, भैया बोली सती जी समझा के प्राणनाथ तुम हमारी बात मानो और हमारे साथ चलो ना। मेरे बाबुल ने यज्ञ रचायो, सब देवन को वहां बुलायो, मैं शोभा देख के आऊंगी आऊंगी, पीहर को पिया जाऊंगी, सैया पीहर को मैं जाऊंगी, राजा मैया को बाबा समझावे, बार बार समझा रहे भोले बाबा पार्वती जी को, लेकिन उनके दिमाग में एक भी बात नहीं आती। मैया को बाबा समझावे, ना ही एक समझ में आवे, और बोली लला देविंदर नहीं घर पे मैं रह पाऊंगी पाऊंगी, सैया बाबुल से मिल के आऊंगी, सैया बाबुल से मिल के आऊंगी। सती जी समझा के बोली कि मैं घर नहीं रह पाऊंगी, मेरी बात मानो। देखिए एक बात सुनो पिया, हमारे पिता ने अगर यज्ञ रचाया है तो हम अपने पिता के उस यज्ञ में जरूर जाएंगी ना, भेज दो ना। नहीं भेजोगे ना भोले बाबा? भोले बाबा बोले सती जी बिना बुलाए कहीं जाने में सम्मान नहीं होता। सती बोली बाबा सुनो, उत्सव है कहां पिताजी के, मैं चाहा बेटियों से पूछो, मैं के किया जब कामना को उत्साह, बेटियों से पूछो, मैं के की कुशल कामना को उत्साह, बेटियों से पूछो, मैं के की कुशल कामना का उत्साह, बेटियों से पूछो, ही ललक जाने की इच्छा जताई है, रामपाल कहां तक समझावे और मैया ना रुक पाई है, बार बार समझाया भोले बाबा ने सती को, लेकिन सती के समझ में नहीं आया। और जब सती के समझ में नहीं आए तो भोले बाबा बोले समझा के, सती आप पीहर मत जाओ, बोले समझा के कि मेरी प्यारी सती पीहर जइयो मती मान जाना, वहां जाके लगे ना ठिकाना, मेरी प्यारी सती पीहर जइयो मती मान जाना, वहां जाके लगे ना ठिकाना। बोले बाबा बोले समझाए कि सती जी बिना बुलाए जाने में सम्मान नहीं होता, आप मत जाइए ना। यदि बाबुल तेरे ने रचाई,
तुच्छ बारी हमें कैसे आ गया तुम्हें दे बताना। वहां जाके लगना ठिकाना मेरी प्यारी सती भी हृदय मति मान जाना। समझा रहे हैं भोले बाबा लला सूरज, स्त्रियों में ये कमी होती है लला कि पति देव की बात की तो बात छोड़ो, अगर भगवान भी आ जाए तो उनकी भी बात मानने को राजी नहीं होती। समझा रहे हैं बार बार भोले बाबा सती को, लेकिन सती के दिमाग में बात नहीं आती। बिन बुलाई अगर तुम तो जाओगी, तुम तो जाओगी और खातर में कुछ भी न लाओगी। एतबार मेरा कर, एतबार मेरा कर, तजियो रंजो फिकर ये भुलाना। वहां जाके लगे ना ठिकाना, वहां जाके लगे ना ठिकाना। बार बार समझा रहे भोले बाबा लेकिन सती के दिमाग में बात नहीं आती। सूरज मात समझाई है नहीं एक समझ में आई है। दिल में भारी फिकर ये लगी है जिगर ये भुलाना। वहां जाके लगे ना ठिकाना, वहां जाके लगे ना ठिकाना, वहां जाके लगे ना ठिकाना, वहां जाके लगे ना ठिकाना। बार बार समझाने पर भी सती नहीं मानती, बिल्कुल नहीं मानी। सती जी जब नहीं मानी तो भोले बाबा समझ गए कि होगा बही जो राम रचिराखा को करता राखी बढ़ा बैशाखा। भगवान भोले बाबा समझ गए, तुलसीदास ने लिखा रामायण में वही होगा जो विधाता ने लिख दिया। होगा वही जो राम रचिराखा को करता राखी बढ़ा बैशाखा। भोले बाबा समझ गए कि ये विधि का विधान है, इसे कौन मेट सकता है। सती जी नहीं मानी, और जब सती नहीं मानी तो सती जी चली नंदी के अश्वार होकर के भोले बाबा ने आज्ञा दी। आरे नंदी पे है के अश्वार मैया चल दीनी है भाई। और द्वैगढ़ जाके शंगरे, और दोगढ़ जाके शंगरे बिहार में पहुंची जाई। भोले बाबा ने आदेश दे दिया सती को, नंदी पर सवार होके मैया सती चली दो गढ़ मैया के साथ हैं रक्षा करने के लिए। बंधुओं महाराज की होनी होते बड़ी बलवान, एक दिन आई राजा दशरथ पे छोड़ी दे थे प्राण। सती जी पीहर में गई आए के होनी मैया पे टूटी, मैया पीहर में गई आए के होनी दुखिया पे टूटी। कहो
भोले बाबा ने समझाया सती को, लेकिन बार बार समझाने पर भी सती नहीं मानी। और जब मायके में पहुंची, तो सबसे पहले मैया सती अपने पिता के पास पहुंची, जहां पिताजी यज्ञ कर रहे थे। पिताजी यज्ञ पर बैठे हुए हैं, गला सूरज। पिताजी ने जैसे सती को देखा, सती को देखते ही उन्होंने क्या किया, अरे जाने लीनी नजर झुकाई है और पापिनी कहां से आई है। नजर झुक गई महाराज दक्ष की, सोचने लगे ये पापिनी कहां से आ गई। जननी नी नजर झुकाई है जो पापिनी कहां से आई है। जने दई मेरी सभा लजाई है, देखे मात गई घबराई है। प्रेमियों, सती जी का अनादर हुआ। पिताजी कहने लगे ये कलंकिनी कहां से आ गई, ये कहां से आ गई, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। अगर इसके साथ इसका पति भी आ गया होगा तो मेरी तो सभा में बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। सती जी सोचने लगी, पिताजी पता नहीं मुझसे क्यों नाराज हैं। आगे बढ़ी और आगे बढ़ के कहां पहुंची, अरे आगे बड़ी है मातरे मैया के पास में आई। आवत देखो बेटी को मुंह फेर ले जाई। महाराज की मात की छाती फट गई है और सोचत सोचत तब ये मैया आगे बढ़ गई है। सूरज हो नार बलवान जाए कोई मतिमान हो झूठी। मिलन होनी है बलवान जाए कोई मतिमान हो झूठी। सती जी जैसे मैया के सामने पहुंची तो मैया ने भी अपनी नजर को नीचे झुका लिया। सती जी सोचने लगी शायद आज हमसे विधाता रूठ गया। सती जी आगे बढ़ी, आगे बढ़ती हुई कहां पहुंची, लला सूरज, जहां सती की बहनें बैठी हुई हैं। सती सोचने लगी माता और पिताजी में कोई झगड़ा हो गया होगा, इससे हमारा सम्मान नहीं हुआ। जहां बहनें बैठी हुई हैं वहां सती पहुंची तो बहनें तालियां मार के सती को देख के हंसने लगी, बोली अरे आई गई नंगा की घर बारी। भैया दशाई बदल गई,